श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की भी प्रैक्टिस की होगी। आज हम सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंसेस जो हैं, दे आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड टुगेदर सिस्टमेटिकली। यानी कुछ शब्दों को जब हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं तो उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज़ an intelligent boy, वो एक intelligent लड़का है। ये systematically arranged जो हैं words हैं जो कि एक sentence का रूप लेते हैं और इसका proper मतलब निकलता है कि वो एक intelligent लड़का है। इसी तरह से honesty is the best policy, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है जो कि जिसका स्पष्ट मतलब निकलता है, परंतु जब हम इनको रैंडमली लिखते हैं तो इज़ एन इंटेलिजेंट ही बॉय, तो इसको हम रैंडमली लिखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो सेंटेंसेस जो हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखे जाते हैं कि कैसे सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है या दूसरा वर्ब फाइनाइट वर्ब है और उसके बाद सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, वे उस तरह से फिर सेंटेंस प्रॉपर बनता है। अब सेंटेंसेस की कई टाइप्स होती हैं, जैसे एसर्टिव सेंटेंस और डेक्लेरेटिव सेंटेंस। एसर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें जब हम कोई बात दृढ़ता से करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, वो एसर्टिव होती है, बेशक वो बात पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको एसर्टिव, वो एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे क्लाउड्स bring rain, clouds bring rain, clouds जो हैं वो वर्षा करते हैं, clouds के कारण वर्षा होती है। ये एक simple sentence है और इसे assertive sentence कहते हैं या declarative sentence बोलते हैं। इसी तरह से smoking is injurious to health, इसका नेगेटिव मीनिंग है तो ये नेगेटिव में चला जाता है। जो स्मोकिंग है, सिगरेट पीना, सेहत के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए घातक है, तो ये नेगेटिव सेंस में है, परंतु ये भी फिर भी इसे डेक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस कहेंगे क्योंकि ये एक दृढ़ता से सिंपल स्पष्ट बात कही गई है। इसी तरह से शी डज नॉट डू हर होमवर्क डेली, वो रोज़ अपना होमवर्क नहीं करती, तो ये भी एक स्पष्ट बात कही गई है, बेशक ये नेगेटिव है, यहाँ हमने नॉट लगाया है कि वो नहीं करती, फिर भी ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि किसी बात को स्पष्ट बता रहा है। इस तरह से ये जो है एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। श्याम is my best friend, ये assertive sentence है। I am a student, ठीक है, she was angry, अब इसका she was not angry अगर हम इसका negative बनाएं तब भी ये declarative sentence ही होगा, ठीक है, she was not angry, Shyam is not my फ्रेंड, श्याम मेरा मित्र नहीं है, तो तब भी ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। इसी तरह से और भी कई सेंटेंसेस हम एसर्टिव में लिख सकते हैं, जैसे आई हैव अ पेन आई डोंट हैव अ पेन,
ठीक है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई डोंट हैव अ पेन। इसी तरह से आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है, ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा, आई हैव टू से नथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना है। आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू से नथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना है, ये ना वाला सेंटेंस बन गया। इसी तरह से शी कैन स्विम, शी कैन स्विम, ये मॉडल के साथ हमने जो वर्ब फाइनाइट वर्ब लगाया है तो इसका क्या बनेगा, शी कैन नॉट स्विम, ठीक है। इसी तरह से और भी कई एजर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे एनी बॉडी कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है, कोई भी इस काम को कर सकता है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, नो बॉडी कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इसी तरह से दे मस्ट ओबे हिम, दे मस्ट नॉट ओबे हिम, यानी कोई ज़रूरत नहीं है उसको ओबे करने की। दे मस्ट ओबे हिम मीन्स उन्हें उनको उसको ओबे, उसकी आज्ञा ज़रूर माननी चाहिए। और नीचे इसका क्या मतलब है, दे मस्ट नॉट ओबे हिम, उस उन्हें उसकी आज्ञा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हैं ये डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इनके नेगेटिव जो हैं वो नॉट ऐड होता है, या फिर टेंस के हिसाब से भी हम उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे शी लाइक्स फ्लावर्स, वो फ्लावर्स पसंद करती है। अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, शी डज नॉट लाइक फ्लावर्स, शी डज नॉट लाइक फ्लावर्स, वो फ्लावर्स पसंद नहीं करती है। अब शी लाइक्ड फ्लावर्स हो, अगर हम ये सेंटेंस लिख दें शी लाइक्ड फ्लावर्स, वो पसंद करती थी, तो शी डिड नॉट लाइक फ्लावर्स, शी डिड नॉट लाइक फ्लावर्स। ये सब एजर्टिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं, जो टेंस के हिसाब से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से और भी कई वाक्य ले सकते हैं, आई डू माई होमवर्क डेली, मैं रोज़ अपना होमवर्क करता हूँ, तो इसका क्या होगा, आई डोंट डू माय होमवर्क डेली, मैं अपना होमवर्क रोज़ नहीं करता हूँ। डोंट भी कह सकते हैं या डू नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो वाक्य दृढ़ता से किसी बात को बता रहे हैं, वो बेशक पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, ये सब एजर्टिव वाक्य आ जाते हैं। किसी और तरह का भी सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे शी, दूसरा शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल वो स्कूल गई, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल यस्टरडे, कल वो स्कूल नहीं गई, ठीक है। दे विल प्ले द गेम, प्ले द गेम, दे विल नॉट प्ले द गेम, ठीक है। यहाँ पर नॉट लगेगा, यहाँ दे वॉन्ट प्ले द गेम,
इस तरह से ये असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस आ जाते हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर फाइनाइट वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर आगे सेंटेंस लिखा जाता है। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, यहाँ पर विल जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट से बाहर आ गया। इसी तरह से वेयर इज शी गोइंग, वेयर इज शी गोइंग, ये डब्ल्यू एच वाले जो शब्द हैं ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे हाउ आर यू ड्राइविंग, आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, ये भी इंट्रोगेटिव वाक्य है, ये डब्ल्यू एच वाले जो वाक्य होते हैं उसमें आ जाता है। कैसे, हाउ, कैसे, वेयर, कहाँ, व्हेन विल ही कम, व्हेन विल ही कम, वो कब आएगा, ये सब हमने टेंसेस में किए थे। उसको अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं, आप टेंसेस वाले जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। इस तरह के हमने कई वाक्य किए हैं, ये इस तरह के इंट्रोगेटिव वाक्य बनते हैं। और भी कई सेंटेंसेस इंट्रोगेशन में हम बना सकते हैं, जैसे हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, हैव यू सीन माई ब्रदर, ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हैव यू सीन माई ब्रदर, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस भी होते हैं या टेंस के हिसाब से वाक्य भी बनाए जाते हैं। जैसे Did she come here? Did she come here yesterday? अब यहाँ पर did लगा दिया, कहीं have लग रहा है, कहीं WH वाले वाक्य हैं, ये सब interrogative sentences होते हैं। इसी तरह से और sentences भी होते हैं, जैसे imperative sentences। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्ट या ऑर्डर या एडवाइस जो होती है वो देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। जैसे शो मी योर होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क दिखाओ, ये एक तरह से ऑर्डर है। और इसी तरह से ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये क्या है, ये एक एडवाइस है, हमेशा सच बोलो। अब इसका नेगेटिव क्या बन सकता है, डोंट टेल ए लाई, ठीक है, या नेवर टेल ए लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, नेवर Tell a lie, कभी झूठ मत बोलो। Show me your homework, यहाँ पर do not लगा के negative बन जाएगा, don't show me your homework। इसी तरह से do not spit on the floor फर्श पर मत थूको, ये एक prohibition है, किसी को रोक रहे हैं गलत काम करने से। तो यहाँ पर हम जब हम प्रोहिबिशन का सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से और भी कई इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं,
जैसे हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपया एक कप चाय लें, तो ये भी रिक्वेस्ट है, तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और जब हम इनको नेगेटिव बनाते हैं, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, इस तरह से इनके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारी रिक्वेस्ट या हमारी कोई एडवाइस इत्यादि जब हम देते हैं तब यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हमारी खुशी की भावना, दुख की भावना या सरप्राइज, हैरानी की भावना, जो हमारी भावनाएं बताते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे इसमें हम व्हाट लगा देते हैं नाउन के साथ, नाउन के साथ व्हाट लग जाता है, या हाउ लग जाता है एडजेक्टिव के साथ, किसी भी तरह से हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, पीछे एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है वो लगाया जाता है, हाउ लगाकर एडजेक्टिव लगा दिया, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, ये हमारी खुशी और हमारी सरप्राइज, हैरानी बता रहा है। इसी तरह से व्हाट अ ट्रेजिक एंड, कितना दुखदाई अंत है, ये हमारी जो है दुख बता रहा है और इसमें हमारे दुख की भावना है, तो इसमें भी पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, ये आपने ये साहस कैसे किया, ये हमारा एंगर बता रहा है, हमारा गुस्सा बता रहा है कि आपने ये साहस कैसे किया। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। व्हाट अ नाइस पिक्चर, कितनी सुंदर तस्वीर है, ये सरप्राइज बता रहा है कि बहुत सुंदर तस्वीर है, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाते हैं और इसमें पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर लगाया जाता है। इसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसमें हमारी प्रेयर या विशेस जो होती हैं वो बताई जाती हैं। जैसे मे यू ऑल पास, आप सब पास हो जाएं, ठीक है। इसी तरह विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, यहाँ भी पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, आपको नए साल की शुभकामनाएं। तो इस तरह से ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, या लॉन्ग लिव द किंग, ये भी हमारी भावना बता रहा है कि किसी की लंबी आयु के लिए हम प्रे कर रहे हैं, तो पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। इस तरह से ये सेंटेंसेस अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं और आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इन सेंटेंसेस को लिखने का और बोलने का अभ्यास करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड।